दोस्तों आज बात करने वाले हैं आधार NPCI लिंकिंग के विषय में। आपको पता है अगर आप किसी भी सरकारी स्कीम का पैसा डायरेक्ट अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं तो आपका DBT लिंक होना बहुत ही आवश्यक है। अभी तक क्या होता था दोस्तों, आपको DBT लिंक करने के लिए, आधार NPCI लिंक करने के लिए बैंक का रुख करना पड़ता था, आपको बैंक जाना पड़ता था। लेकिन अब दोस्तों आधार NPCI ने एक सर्विस लॉन्च कर दी है कि आप घर बैठे ही अपने बैंक को NPCI DBT इनेबल कर सकते हैं। तो आज हम उसी का प्रोसीजर जानेंगे, कैसे आप घर बैठे से लिंक कर पाएंगे। तो दोस्तों आप ब्राउजर पर आना और लिखना NPCI, जैसे इतना लिखेंगे तो आपके सामने ये लिंक आएगा और आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं NPCI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप आ जाएंगे और यहाँ से ही आप अपने बैंक में DBT इनेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं, कंज्यूमर और डेवलपर, बिजनेस, प्रोडक्ट। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको कंज्यूमर वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर फिर से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको भारत आधार सीडिंग इनेबल ये ऑप्शन एक देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ऐसा विंडो खुलकर आएगा दोस्तों, यहीं से आप अपने आधार को सीड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग के लिए आप रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं या डी सीडिंग के लिए। अगर आप अपने आधार में आप बैंक को सीड करना चाहते हैं तो सीडिंग पर क्लिक करना होगा, अगर डी सीड करना चाहते हैं तो डी सीडिंग पर क्लिक करना होगा। तो अगर आपको आधार सीड करना है तो आपको सीडिंग पर क्लिक करना है और इसके बाद सीडिंग टाइप में क्या सिलेक्ट करना, फ्रेश सीडिंग, मूवमेंट विद इन द सेम बैंक विद अनदर बैंक, मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। पूछ रहा है कि आप पहली बार अगर आप सीड कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, तो फ्रेश सीडिंग पर क्लिक करना होगा। अगर मूवमेंट कर रहे हैं, पहले मान लो किसी बैंक में आपका सीड था विद इन द सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, सेम बैंक में भी दोस्तों अगर आपको उसी किसी दूसरे अकाउंट से सीड पहले था और फिर आप उसी अकाउंट को करना चाहते तो उस पर क्लिक करना होगा। मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, अगर आपका पहले से सपोज दैट पंजाब नेशनल बैंक में सीड था और आप चाहते हैं मेरा स्टेट बैंक वाला अकाउंट सीड हो जाए तो आपको सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार डालना होगा, आधार कार्ड नंबर, और यहाँ पर दोस्तों सिलेक्ट योर बैंक में जैसे क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पर दोस्तों चार बैंकें सिलेक्ट हो रही हैं, मतलब आपका अकाउंट अगर चार बैंकों में से किसी में है तब आप कर पाएंगे। धीरे धीरे दोस्तों और भी सारी बैंक यहाँ पर जोड़ी जाएंगी। अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, केनरा बैंक में है, इंडियन बैंक में है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, इन चार बैंकों का भी ऑनलाइन दोस्तों आधार सीडिंग चल रही है। अगर आप इनमें से कोई बैंक है तो आप अभी यहाँ से आधार सीड कर सकते हैं। जल्दी दोस्तों यहाँ पर सारी बैंकों को ऐड कर दिया जाएगा। तो अगर आप सपोज दैट इंडियन बैंक में आपका खाता है तो आप प्रेस से क्लिक करना है। अब आपको अपना यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देना है इंडियन बैंक का, कन्फर्म कर देना है और कैप्चा डालना है, ये जो इमेज दिख रही है, डिक्लेरेशन देकर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों प्रोसीड करेंगे तो आपको क्या है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो बैंक में रजिस्टर्ड होगा मोबाइल उस पर OTP आएगा, कन्फर्म करेंगे और आपका यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर जनरेट कर दिया जाएगा और आपका बैंक से आधार सीड कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो भी दोस्तों आपके पास सरकारी पैसा आएगा DBT के माध्यम से वो उसी बैंक में भेजा जाएगा। रेफरेंस नंबर से दोस्तों आप अपना यहाँ पर स्टेटस भी चेक कर पाएंगे कि आपका अभी सीड हुआ है नहीं हुआ है, या आप आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसे चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने चेक करना आपको बताया। आपको लगभग एक हफ्ते का वेट करना है, इसके बाद चेक करना है। तो ये दोस्तों एक नई सर्विस सरकार के द्वारा शुरू की गई है कि आप घर बैठे ही अपने आधार को सीड कर पाएंगे बैंक से। तो ये काफ़ी लोगों के लिए राहत भरी खबर है, लोगों को बैंकों में लाइन नहीं लगानी पड़ेगी और ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। अभी हालांकि चार बैंक ही जुड़ी हैं, जल्द ही सारी बैंकें जोड़ दी जाएंगी, तब आप अपना घर बैठे ही आधार सीड कर पाएंगे। तो ये सरकार की स्कीम आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।